अगर आपको कनाडा जाना है तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको गारंटी के साथ कनाडा पहुंचा देंगे। तो यार मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, क्या पता है काम हो जाए। कनाडा का बहुत शौक था हमारे को, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। मैंने उससे कांटेक्ट किया, उसने बोला आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, शुरू में कोई काम नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको पैसे उधर ही देने हैं कनाडा में। मैंने बोला तो बहुत ज़बरदस्त यार, ये तो ज़बरदस्त हो गया, पैसे यहाँ नहीं मांग रहे, यानी कि तो रियल है, फेक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक होंगे? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुश रहे जहाँ पर भी है, खुश रहे। तो काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना, तो मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से जो ना व्लॉग नहीं बन पाया। अभी दोबारा बनाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए मैंने जो सामान प्रोडक्ट जो मंगाए थे चाइना से, अलीबाबा से, तो वो ख़त्म हो गए सारे, सारे के सारे काटा नहीं बच गए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद मैं दोबारा ऑर्डर करूंगा और गाड़ियां लेके आऊंगा इंशाल्लाह, उसकी भी आपको वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह करना पड़ता है। भाई साहब देखें हिम्मत रखें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये इस तरह ये गाड़ी मैं जो चलाता हूँ ना, ये मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, मैं मैडम के मतलब बॉस के साथ गाड़ी चलाता हूँ, उसका बच्चों को स्कूल वगैरह पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, सामान वामान लेके आता हूँ। इसी काम से मैंने स्टार्ट किया, इस काम से मैंने अपने कारोबार स्टार्ट किया, तो अब इस काम को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ जब तक, तब तक काम करता रहूंगा जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी कोशिश करें, आप भी करें इंशाल्लाह, आप भी एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो बात ये है कि भाई मेरे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आपका कितना वक्त गुजरा सऊदी में, कितने साल गुजरे, और पूछते हैं काफ़ी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में मेरे 11 साल तकरीबन हो गए, और मैं रियाद में भी काम कर चुका हूँ, और अल्लाह वाला करे रियाद के अंदर मैं जॉब करता था जापान एम्बेसी में, और अल्लाह वाला करे उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैं इसी लाइन पे आ गया, हाउस ड्राइवर के लाइन पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये है ना, इसी से मैंने अपने कारोबार स्टार्ट किया, इसी काम से। तो अगर आप कहीं काम करते हो ना, तो कुछ जमा करे अपने लिए, कोई छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर दे, छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर दे, इधर हो पाकिस्तान में हो, किधर भी हो, किसी भी कंट्री से हो, आपको कहीं पर भी स्टार्ट करो। लाजमी नहीं कि अपने सैलरी का इंतजार करते रहोगे, कसम से कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, कामयाबी का राज क्या है बताऊं? मैं आपको बताता हूं कामयाबी का सबसे बड़ा राज, कामयाब होना ना, तो आपको सबसे बड़ा राज बताता हूं। तो बात ये है सदका, सीरियस मजाक से अट के बिल्कुल सीरियस बोलता हूँ, सदका दें सीरियस, आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये सारा का सारा कमाल सदके से है भाई साहब, आप भी दें सदका दें गारंटी के साथ। आप अपने साथ कमेंट वो कर दे कि भाई मेरे को महीने का, मिसाल बताता हूँ, आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, चलिए मिसाल एग्जांपल, उसमें से आप लगाएं कि भाई मेरे को 3,000 रुपये इसको, 3,000 रुपये इसके अंदर देने हैं किसी भी हाल में, यानी आप कंफर्म कर ले, सही है। जिस तरह वक्त गुजरते जाएगा, तब आपकी सैलरी बड़ी 20,000 हो गई, तो आप बोलेंगे भाई मैंने 6,000 दूंगा। तो इस तरह करते रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे, और खुश रहे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और कामयाब रहे। और ये है देखा हमारा व्लॉग्स, अभी हम आए बाहर, इधर कोई काम था, उस काम से आए, और काम थोड़ा पार्किंग गाड़ी लगाए, पार्किंग वार्किंग की। जी भाई साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आज मैं आपको अपना घर का विजिट कराता हूँ कि इस घर के अंदर किस तरह क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मैं क्या करता रहता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। जहाँ मैं पहले रहता था उस जगह का भी आपको पूरा वीडियो बनाता हूँ कि देखें कि मैं यहाँ रहता हूँ। देखें मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह भला करे, मैंने जो जितने भी ऑर्डर किए थे सारे के सारे कार्टन खाली हो गए, जो मैंने ऑर्डर किए थे सब ख़त्म हो गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें देखें देखें, ये है अल्लाह भला करे, यहाँ पे आया, इधर मेरी रहाइश थी, देखें इधर मेरी रहाइश थी, अभी इसको मैंने गोदाम बनाया। देखें यह है गाड़ियों का कार्टून सारे, ये गाड़ियाँ दो बची है, बाकी सारे के सारे ख़त्म हो गए, जो भी आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, जो भी आ रहे हैं लेके जा रहे हैं। तो जो लेके जा रहे हैं ना, तो डब्बा वब्बा नहीं लेके जा रहे, यानी कि कॉल के लेके जा रहे हैं, फिट करके मैं देता हूँ, सब लेके जा रहे हैं, सारे के सारे खाली है। देखें देखें सब के सब खाली है, देखें देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, करना पड़ता है भाई साहब, आप भी करें इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये सिर्फ दो बची है बस, बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद मैं ऑर्डर करूँगा। अब यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सामान रखा हुआ है बस, और यहाँ पे मैं अभी रहता नहीं हूँ, मैं अब ऊपर लेता हूँ, ऊपर में रहता हूँ, मैं आपको उधर के विज़िट कराता हूँ। तो देखें सफ़र का पल मीठा होता है, जो सफ़र करता है
इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको हिम्मत देता है, कामयाबी देता है। सब्र सबसे बेस्ट है भाई साहब, और सदका जारी रखो इंशाल्लाह, एक दिन आप भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और ये देखो आज माशाल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा है। बोला अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वगैरह सब कुछ हमें सेंड कर दे, और हम इसका उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और आपको एक रियाल नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसे दे नहीं देना पड़ेगा सऊदी अरब से, यानी कि ये बिल्कुल यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला सही बात है यार। फिर मैंने जो ना अपना कोशिश रखी, उसके साथ कांटेक्ट रखा, और ये करते 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 2 हफ्ते गुजर गए, मैंने सब डॉक्यूमेंट उसको भेज दिए। 2 हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, वो सारे मैसेज में से डिलीट हो गए, वो होते मैं आपको सुनाता इस वीडियो के अंदर। तो वो मुझे बता रहे हैं कि भाई आपका सब कुछ क्लियर हो गया, आप जो ना कुछ अमाउंट अभी हमारे को ट्रांसफ़र कर दें, हम आपके लिए फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्या नहीं क्या नहीं, यानी कि एम्बेसी की तरफ से ये बहुत लाजमी है। और ये मैंने बोला आपने तो पहले बताया था कि अब उधर ही पैसे देने पड़ेंगे। बोला हाँ वो पैसे तो उधर ही देने पड़ेंगे, बाकी ये जो फॉर्म के पैसे फीस है वो आपको इधर पे करना पड़ेगा। मैंने बोला तो कितने? बोले इतने नहीं, थोड़े रकम तो ज़्यादा नहीं था। तो मैंने बोला सही, मैं कर देता हूँ, उसने अकाउंट भेजे, मैंने भेज दिया। भेजने के बाद अल्लाह भला करे, धोखा देखें धोखा, मेरे साथ धोखा हो चुका है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसके अंदर ना पड़े हैं। तो जब पैसे मैंने थोड़े बहुत भेजे उनको अकाउंट में, उसके बाद इन लोगों ने मेरे को वो फॉर्म जो था ना एम्बेसी की तरफ से जो सीवी लेटर होता है वो मेरे को भेज दिया। तो मैंने अच्छा ये काम किया, उसको मैं जाके एक एजेंसी से चेक करवाया, उसने मेरे को बोले फेक है। अब मैं अब उस आपको उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने किया, आप भी होशियार रहें भाई साहब। ये है जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई एम्बेसी से मेरे को जो पेपर मिले थे, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स मिले थे, यही थे सारे, ये सारे जो ना फेक थे, ये सारे के सारे फेक हैं, कोई रियल नहीं है भाई। इसमें लिखा हुआ है, क्या पता, मैं आपको सुनाता हूँ। इसका एम्बेसी का मोर भी लगाया हुआ है भाई, देखें ये मोर लगाया है एम्बेसी का, सही है। कितना उसका कंपनी का नाम है सन लाइफ ग्रुप, इससे बच के रहने। और जॉब का वो ऑफ़र लेटर क्या है, जॉब ऑफ़र लेटर देखें, इसके अंदर सैलरी है 3,750 डॉलर कैनेडियन सैलरी, और सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, लोकेशन अकोमोडेशन सारे के सारे इसके अंदर फिल किया हुआ है। लेकिन ये देखें ये इस ग्रुप का वो है, लेकिन इससे बच के रहने भाई साहब। भाई कनाडा, यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पे भी जाएंगे ना, हमारे लिए तो ये कनाडा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं नहीं जाऊँगा भैया। आप खुद कोशिश कर, आपके लिए यही कनाडा है। पैसे के लोग जाते हैं ना वहाँ, पैसे कमाएंगे, अच्छे से अच्छे पैसे कमाएंगे, तो इससे अच्छे तो हम लोग यहाँ कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गाइड करूँ आप लोगों को कि भाई अगर एम्बेसी में अगर आपको जाना है, यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पे भी जाना है, तो अल्लाह करे आप सबसे पहले डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करें। बाकी सब फेक है, कोई बोलता है मैं उधर जाके पैसे दूंगा, कोई बोलता है इधर नहीं उधर, सारे के सारे फेक है भाई। ये देखिए मेरे साथ हो चुका है धोखा, ये धोखा मेरे साथ हो चुका है भाई साहब, आप भी इसमें ना रहे।